अस्सलाम वालेकुम, सिंध टीवी न्यूज़ से गड मां है यासिर अब्बासी। हेडलाइंस हमारे टीम बुलेटिन की शुरुआत में तमाम की खबर दींदी। इत्तेहादी हुकूमत में इख्तिलाफन सबब टिन सूबाई गवर्नर्स की मुकर्री न थी सघी। सिंध केपी ए बलोचिस्तान में सूबाई असेंबली जै स्पीकर्स वक्ती गवर्नर मुकर्रर आहिन। सदर के गवर्नर्स की मुकर्री लाए उमाणियल एडवाइस जो भी मुद्दों पूरो थी वयो। काबीना डिवीजन एक सूबे के गवर्नर की मुकर्री जो नोटिफिकेशन जारी न कयो। जरियन मूजिब केपी के गवर्नर लाए नून लीग पीपी ए जेयूआई में इख्तिलाफ बरकरार आहिन। तमाम के हम खबर दूं पिया इत्यादि हुकूमत में इख्तिलाफन सबब टिन सूबाई गवर्नर की मुकर्री न थी सघी है। सिंध केपी ए बलोचिस्तान में सूबाई असेंबली जै स्पीकर्स वक्ती गवर्नर तौर मुकर्रर आहिन। सदर के गवर्नर की मुकर्री लाए उमाणियल एडवाइस जो भी मुद्दों पूरो थी वो है। काबीना डिवीजन एक सूबे के गवर्नर की मुकर्री जो नोटिफिकेशन जारी न कयो। जरियन मूजिब केपी के गवर्नर लाए नून लीग पीपी ए जेयूआई में इख्तिलाफ बरकरार आहिन। तमाम के खबर दूं पिया इत्यादि हुकूमत में इख्तिलाफन सबब टिन सूबाई गवर्नर की मुकर्री न थी सघी है। सिंध केपी ए बलोचिस्तान में सूबाई असेंबली जै स्पीकर्स वक्ती गवर्नर मुकर्रर आहिन। सदर के गवर्नर की मुकर्री लाए उमाणियल एडवाइस जो भी मुद्दों पूरो थी वो है। काबीना डिवीजन एक सूबे के गवर्नर की मुकर्री जो नोटिफिकेशन जारी न कयो। जरियन मूजिब केपी के गवर्नर लाए नून लीग पीपी ए जेयूआई में इख्तिलाफ आहिन। तमाम के खबर दूं पिया इत्यादि हुकूमत में इख्तिलाफन सबब टिन सूबाई गवर्नर की मुकर्री न थी सघी। सिंध केपी ए बलोचिस्तान में सूबाई असेंबली जै स्पीकर्स वक्ती गवर्नर मुकर्रर आहिन। सदर के गवर्नर की मुकर्री लाए उमाणियल एडवाइस जो भी मुद्दों पूरो थी वो है। इन बाबत तजी करो है सीनियर सहाफी सिद्दीक साड़ी साहब असा टेलीफोन लाइन से मौजूद आन। सिद्दीक साड़ी साहब, इत्यादि हुकूमत में तीन गवर्नर्स की जो सीटें हैं वो अभी भी खाली हैं, किसी को मुकर्रर नहीं किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? की वजह ये है कि सियासी हुकूमत में इस मामले के ऊपर जो है वो इख्तलाफात मौजूद है, जिसकी वजह से तीन जो सूबे हैं इस वक्त बगैर गवर्नर के हैं। तीन माह इस हुकूमत को आए हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान है, वहाँ पर जो गवर्नर है वो तैनात नहीं किए जा सके, और जो सूबाई असेंबली के स्पीकर हैं वो कायम काम गवर्नर के फराइज अंजाम दे रहे हैं। जहाँ तक तो सिंध की बात है तो आपको मालूम है कि एम के एम और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदे के बाद नसरीन जलील का नाम जो है वाने सदर को भिजवाया गया था। उसके सवरी की जो डेट लाइन है, जो एडवाइस है वजीर आजम की, उसकी मुद्दत भी पूरी होगी, लेकिन इसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। जराय का कहना है कि एम के एम चाहती है कि पहले पीपल्स पार्टी तमाम आम से किए गए वादे पूरे करे, पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से, जो साजगार हैदराबाद के हवाले से, और उसके बाद फिर जो है हम गवर्नर का अहदा कबूल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में एएनपी को ये अहदा दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब वहाँ पे खेचातानी जारी है नून लीग पीपल्स पार्टी और जेयूआई फे के दरमियान, और नून लीग वहाँ पे एक बार दफर झगड़ा को गवर्नर बनाना चाहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे इख्तलाफात मौजूद है। बलोचिस्तान में बलोचिस्तान अवामी पार्टी अपना गवर्नर का नाम दे चुकी है वजीर आजम को, जबकि वहाँ पे मैंगल ग्रुप जो है बीएमसी मैंगल, वो भी इस अहदे का उम्मीदवार है, लेकिन अभी उसके ऊपर भी इतफाक राय नहीं हो सका, जिसकी वजह से मामला लटका हुआ है, और इख्तलाफात की वजह से तीन जो अहम सूबे हैं उनके गवर्नर इस वक्त मौजूद नहीं है। जी बहुत शुक्रिया सिद्दीक साड़ी साहब तफसीलात देने के लिए।